एप्लीकेशन बताता हूं मैं, तो आप एक चीज समझना, मैं कोई भी एप्लीकेशन आपको बताऊंगा तो उस एप्लीकेशन के पीछे और हजारों एप्लीकेशन है। जैसे मैं आपको एक इंग्लिश की एक एप्लीकेशन बताऊंगा मैं, तो देयर विल बी हैविंग हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन रिलेटेड टू दैट एप्लीकेशन। ये मैं आपको जस्ट एक जिसको कहते हैं ना कि एक इंग्लिश की एप्लीकेशन का प्रसाद दे रहा हूं मैं आपको, ओके, बट यू गोइंग टू हैव द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिलेटेड टू इट, ओके। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये एक इंग्लिश कन्वर्जेशन, अभी इंग्लिश कन्वर्जेशन जैसे हमारी जवाबदारी बच्चों को क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के अंदर बच्चों के 11 नंबर आ गए या 17 नंबर आ गए या 25 नंबर आ गए उससे मर्यादित होता है। बच्चे कम से कम थोड़ा बहुत इंग्लिश, हमको उनको शेक्सपियर नहीं बनाना लैंग्वेज के अंदर, लेकिन कम से कम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज वो बोले, ठीक है। और वो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर वो बच्चा अगर सपोज घर पे बैठ के प्रैक्टिस करता है, अगर सपोज सुनता है, तो ही विल बी गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। जैसे ये एक मोबाइल फोन है, ये आपका अगर सपोज कोई सैमसंग का बच्चा 3,000-4,000 रुपए का मोबाइल फोन लेता है, हम लोग ये कहें अरे टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, तो गॉन आर द डेज, वो दिन चले। आपका एक मोबाइल फोन, आप अच्छे से 3,000-4,000 का स्मार्टफोन ले सकते हो, एंड्रॉइड की ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको आप ईयरफोन डाल के आप इसको सुन सकते हो, और ये इसकी आपको प्रैक्टिस भी स्पीकिंग की करवाता है, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि बेसिक इंग्लिश का इल्म होता है, यू आर गोइंग टू गेट द नॉलेज ऑफ बेसिक लैंग्वेज, दैट्स इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज कन्वर्जेशन है, जस्ट आई एम ओपनिंग इट। अब यह लैंग्वेज कन्वर्जेशन के अंदर ये ये 100 एक्सरसाइज दी हुई है, और ये 100 एक्सरसाइज है ये डे टू डे इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए दी हुई है, डे टू डे। अब मैं जैसे सपोज ये फर्स्ट खोल रहा हूं, ये बराबर है, अब ये पूरा का पूरा आपका लैंग्वेज स्पीकिंग का आ गया है, ये जहां बच्चे इसको सुनेंगे, इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, सुनने की प्रैक्टिस करेंगे, बराबर है, एंड दे विल बी एबल टू हैव अ वर्किंग इंग्लिश। हम लोग किसी को लैंग्वेज के अंदर जो हमारा सिस्टम है, वी कैन नॉट मेक देम मास्टर, बट एटलीस्ट वी विल बी एबल टू प्रोवाइड देम द बेस लैंग्वेज फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन। ओके, हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड, डू यू स्पीक इंग्लिश? अ लिटल, आर यू अमेरिकन? यस, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from California. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yes, excuse me. Are you American? No. Do you? अब इस तरह की 100 एक्सरसाइज दी हुई है। अब बच्चा अगर सपोज इसको रोज अगर आधा घंटा प्रैक्टिस करता है, if he is walking half an hour, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं मैं कि 6 महीने के अंदर he will be mastering the basic communication. He will be mastering that even in the Mofizal area, आपका rural area है, आपका ये Moonpur area है, क्योंकि language का जो हम लोगों के virus spread नहीं है, अगर ये area के अंदर भी अगर suppose वो कहीं जाता है और वो पूछता है कि language की knowledge है, yes I have.